हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस। गाइस, क्या आप सभी एक चीज नोटिस कर पा रहे हैं कि सारे मोनोपोली स्टॉक्स जो हैं वो बहुत हैवी करेक्शन दिखा रहे हैं। यहां मैं आप सभी के साथ एक या दो या तीन शेयर पे बात नहीं कर रहा, मैं पूरा एक सेक्टर उठा के लाया हूं। एंड सेक्टर मेटल या आईटी या ऑटो इस तरीके का सेक्टर नहीं, सेक्टर है मोनोपोली स्टॉक्स। अब बहुत सारे नए लोग आते हैं मार्केट में जिन्हें शायद नहीं पता होता ये मोनोपोली स्टॉक्स कौन से होते हैं। तो मोनोपोली स्टॉक्स वो होते हैं जो एक फील्ड में मार्केट लीडर होते हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे बड़ा एंड सबसे अच्छा एग्जांपल जिससे आप लोग बहुत इजीली समझ सकते हो वो है आईआरसीटीसी। अब ये आईआरसीटीसी क्या है इसको समझाने की जरूरत नहीं है। अब आईआरसीटीसी अपने फील्ड में मोनोपोली है, इनफैक्ट इस फील्ड में तो कोई और प्लेयर है ही नहीं। अब आईआरसीटीसी क्या करता है, टिकट बुकिंग, कैटरिंग, रेलवे से जुड़ा हुआ कारोबार। अब आप मान लीजिए आपको टिकट बुक करनी है तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, वो है आईआरसीटीसी। वहीं से जाके आप अपनी टिकट बुक कर सकते हो ना, तो ये होता है मोनोपोली। अब एक तरीके का और होता है मोनोपोली, किस तरीके का। फॉर एग्जाम्पल पिडिलाइट इंडस्ट्री, इसका एक ब्रांड, एक प्रोडक्ट फेविकॉल। अब इस फेविकॉल की मार्केट में जो मार्केट शेयर है ना इस फील्ड में, यानी कि फेविकॉल वाले सेक्टर में, अगर कोई लकड़ी किसी पे किसी का बेड बन रहा है और उस पर लकड़ी फेविकॉल लगाना है ना, तो फेविकॉल ही मंगाएगा। और एक दो प्लेयर और हैं बट उनके नाम लोगों को पता तक नहीं है, मुझे भी नहीं पता इनफैक्ट। एंड एचपी एडेसिव करके जो अभी मार्केट में नया स्टॉक भी आया, उसका भी मार्केट शेयर बहुत ही कम है। तो ये भी एक तरीके का मोनोपोली होता है, इनका 75-80% मार्केट शेयर जो है इन्हीं का है, तो इसको भी हम मोनोपोली स्टॉक्स कहते हैं। होप आपको ये तो समझ में आ गया होगा। अब मैं आपके संग कुछ ऐसे स्टॉक्स शेयर करने वाला हूं जो मोनोपोली स्टॉक्स हैं एंड बहुत हैवी करेक्ट हुए हैं। इनफैक्ट जितने भी मोनोपोली स्टॉक्स हैं मेरे सामने, जितने मेरे नॉलेज में, वो तो सारे ही हैवी करेक्ट हुए हैं। अगर आपकी समझ में, आपकी नजर में कोई मोनोपोली स्टॉक है जो करेक्ट नहीं हुआ या हुआ है, प्लीज कमेंट करिए, मैं उस पर भी ध्यान दूंगा। अच्छा, अभी मैं किस किस स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूं, चाहे वो देखिए बीएससी हो। अभी आप लोगों के में से जो ज्यादा स्मार्ट इन्वेस्टर होते हैं वो लोग कहेंगे भाई बीएससी तो मोनोपोली नहीं है क्योंकि इसमें तो एक एनएससी भी है। तो मैं इसको डियोपोली ना कहके, डियोपोली मतलब जिसमें दो प्लेयर होते हैं, इसको डियोपोली ना कहके मोनोपोली इसलिए कहूंगा क्योंकि अभी एनएससी का स्टॉक मार्केट में नहीं आया। आपके पास अभी भी एक ही ऑप्शन है तो वो रह गया मेरे हिसाब से मोनोपोली कहूंगा मैं उसे। सीडीएसएल, ये भी आप लोग डियोपोली कह सकते हैं, बट एनएसडीएल अभी मार्केट में आया है, नहीं आया, इसलिए मैं इसे भी मोनोपोली कहूंगा। तो बीएससी, सीडीएसएल, कैम्स, आईईएक्स, आईआरसीटीसी, ये कुछ ऐसे स्टॉक हैं जो कि बहुत हैवी करेक्ट होते हुए दिख रहे हैं आप सभी को। अब सवाल ये उठता है, इस पूरी करेक्शन में जो इतने हैवी करेक्ट हो गए, काफी बड़ा लॉस हो रहा है लोगों की पोर्टफोलियो में, क्या ये खरीदने की अपॉर्चुनिटी है या फिर इन स्टॉक से दूर रहना ही बेटर ऑप्शन है? और गिरेंगे और सबको खरीदना है, देखिए मेरे को पता है सबको खरीदने हैं ये स्टॉक्स, हर किसी के फेवरेट है। मार्केट इनको एक अलग ही लेवल के वैल्यूएशन देता है, हायर लेवल के वैल्यूएशन देता है, एंड काफी ज्यादा करेक्ट हो चुके हैं, बट फिर भी अभी वैल्यूएशन वाइज सस्ते नहीं है एंड ये महंगे ही रहने वाले हैं क्योंकि ये मोनोपोली है। अब मेरे हिसाब से जो भी लोग पिछले 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 1 साल से इन्वेस्टेड हैं, वो ऑलमोस्ट लॉस में आते हुए दिख रहे हैं। एंड इन स्टॉक्स को जिसने देखा है ना, अब इस लेवल पे उन्हें खरीदने का मन है, मैं बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ ना, बट ये नहीं पता कौन से लेवल पे खरीदना है। एंड यही आप लोग जानने के लिए कभी मेरी, कभी किसी की वीडियोस देखते हैं, न्यूज देते हैं, स्टॉक पे रिसर्च करते हैं। सही बोल रहा हूँ ना मैं, एकदम कुछ गलत नहीं बोल रहा ना, यही मैं आज आप सभी के साथ बात करूंगा, कौन सा खरीदना है, कौन से लेवल पे खरीदना है एंड कैसे आपको चेक करना है। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाता हूं, लेकिन उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, यार पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो ताकि मेरी वीडियो आप लोगों तक पहुंचे सबसे पहले। एंड गाइस, अगर ये वीडियो आपको समझ आए, पसंद आए, बेनिफिशियल लगे, तो आपको क्या करना है, आप कुछ नहीं करना, नीचे कहीं कैसे करके थम होगा उस पर क्लिक कर दो ऐसे करके, तो लाइक हो जाएगी वीडियो यार, एंड इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। आप सभी से एक और चीज कहना चाहूंगा, ये जो स्टॉक्स हैं, आप ये स्टॉक हो या मार्केट में कोई भी अच्छे फाइनेंशियल्स वाला स्टॉक हो, लाइक लीडर हो अपने सेक्टर में, उस स्टॉक में आप बाय करना चाहते हैं एंड आप सिर्फ ये सर्च कर रहे हैं कि मुझे ये स्टॉक खरीदना है एंड मुझे ये स्टॉक पसंद है, फाइनेंशियल्स अच्छे लग रहे हैं, मुझे इसके वैल्यूएशन अच्छे लग रहे हैं, बट मुझे लेवल नहीं समझ में आ रहा, तो मैं आपको बताऊं, अगर वो एक अच्छा स्टॉक है, लार्ज कैप है, ब्लू चिप है, तो आप ऊपर से देखिए, अगर 25% से ज्यादा करेक्ट है तो वो एक अपॉर्चुनिटी है। एंड कभी भी गिरावट वाली मार्केट में एक साथ पैसा नहीं लगाना चाहिए, आपको हमेशा टुकड़ों में पैसा लगाना चाहिए, स्टैगर्ड वे में बाइंग करनी चाहिए। अब मैं जितने भी ये स्टॉक्स बोलूंगा लाइन से मोनोपोली, इनमें भी आपको ये नहीं देखना कितना और गिरेंगे, कहां से मुझे पैसा लगाना है, आपने क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने सोच लिया मुझे इस स्टॉक में
50,000 1,00,000 रुपए जो भी आपका अमाउंट है इन्वेस्ट करना है, तो मैं उससे आपसे कहूंगा कि इस टाइम उस अमाउंट का 20% इन्वेस्ट कर दो। 5% गिरे किसी से नहीं पूछना, 20% और ऐड कर दो। फिर 5% और गिरे किसी से नहीं पूछना, ऐड कर दो। इनकेस गिरना बंद हो जाए, ऊपर जाने लगे, कोई लेवल ब्रेक करे, फिर 20% ऐड कर दो। इस तरीके से आपको अपना 5 बारी में पूरा रुपए लगाना है। एंड उसके बाद स्टॉक कहीं भी जाए आपको टाइम देना है। एंड टाइम से बड़ी स्टॉक मार्केट में कोई चीज है ही नहीं, बस आपको टाइम देना है। ये सारी आपको चीजें मैंने समझा दी। एंड अब ये मोनोपोली स्टॉक्स पे नहीं है, पूरी स्टॉक मार्केट में आपके काम आएंगी जितनी भी चीजें। अगर अभी तक आपने वीडियो देखी है तो मेरे हिसाब से सारी चीजें आपकी लाइफ टाइम काम आने वाली है। सबसे पहले बीएससी के बारे में बात करता हूं। 596.97 पे क्लोजिंग है स्टॉक की। स्टॉक का अगर आप प्राइस टू अर्निंग देखें तो 32 पे आ चुका है। 100 के पी पे ट्रेड करने वाला स्टॉक 32 पे मिल रहा है आपको। 8,000 करोड़ का मार्केट कैप अपने सेक्टर में, इनफैक्ट सेक्टर तो छोड़िए, एकमात्र प्लेयर है अभी तो खैर लिस्टेड, 1100 रुपए के 52 भी खाई है। अब क्या काम करता है आप सभी को पता है, आप बाय करोगे तो एनएससी या बीएससी से ही करोगे, एंड बीएससी का स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट है तो खरीद लो, आगे चल के पीछे चल के स्टॉक आपको फायदा ही देना है तो खरीद लो निश्चिंत होके। कहां से खरीदारी स्टार्ट करें इसका जवाब मैं आपको दे चुका हूं, कैसे करना है वो आपको पता है, ठीक है। अच्छा अब बात करें दूसरे, तो कैंप्स पे आते हैं। कैंप्स 2400-4000 रुपए का 52 वीक हाई है, 2200-2300 पे ट्रेड कर रहा है, कैसे खरीदना है। अच्छा कैंप्स के बारे में लोगों को पता भी नहीं होगा किस फील्ड में है, ये म्यूचुअल फंड के फील्ड में। एंड म्यूचुअल फंड में एकमात्र लिस्टेड प्लेयर ऐसा है जो सारे म्यूचुअल फंड्स की लेन देन क्या नाम है कंप्यूटराइज, वो इसी से मैनेज होते हैं, कंप्यूटराइज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड नाम में ही आप देख सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आप सभी की नजरों में होना चाहिए। CDSL, अब CDSL क्या है, आप सभी को पता है आप स्टॉक बीएससी के थ्रू या एनएससी के थ्रू खरीद लिया, उसके बाद आपकी पोर्टफोलियो में शेयर जाते हैं तो वो डिपोजिटरी कौन सी है, या तो CDSL है या NSDL है। लेकिन अभी मार्केट में क्या है, केवल CDSL, NSDL का IPO भी जल्दी आएगा। तो CDSL 1080 पे चल रहा है, 1700 रुपए का हाई है, 36 के पीई पे मिल रहा है, ये भी 100 के पीई पे चला गया था स्टॉक। अब IEX, अब ये जैसा कि मैंने आपको क्या बताया था, पिडिलाइट 75% का मार्केट शेयर था उसका। अब IEX की बात करें तो ये भी 100% मोनोपोली नहीं है, ये आपका IEX जो है 95% का मोनोपोली बिजनेस है पावर एक्सचेंज का, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। एक चीज और आपको इंटरेस्टिंग बताऊं, ये स्टॉक करेक्टेड तो बहुत है लेकिन अगर आप 2 साल के रिटर्न्स देखोगे तो आपको अभी भी बहुत हैवी रिटर्न्स दिखेंगे। फॉर एग्जांपल IEX की मैं 2 साल के रिटर्न देखूं ना तो 168% के पॉजिटिव रिटर्न्स हैं अभी भी, ठीक है। अब IRCTC को भी मैं इसी तरीके से आपको डिफाइन करने की कोशिश करूंगा, 71 के पीई पे ट्रेड कर रहा है, 300 के पीई तक गया था ये स्टॉक, अभी भी 2 साल के रिटर्न देखू ना तो 108% के पॉजिटिव रिटर्न है। ऊपर से स्टॉक आधा रह गया, 1300 रुपए के लगभग का हाई है, 500 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। ऐसे ही आप सभी को बहुत सारे स्टॉक मार्केट में मिलेंगे जो कि मोनोपोली है एंड काफी करेक्ट है, तो ये स्टॉक आप लिस्ट में लगा लीजिए। एंड अगर आपको कोई स्टॉक समझ में आए तो स्टार्ट करिए बाइंग, ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है मार्केट में। एंड आपको स्टैगर्ड वे में खरीदना है, जो भी आपको ठीक लगे, अदरवाइज आप इग्नोर भी कर सकते हैं। तो ये थी मेरी वीडियो, होप आपको समझ में आएगी, पसंद भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।